हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये यूनिट फोर का कॉन्टिन्यूएशन है, पार्ट फिफ्थ पे हम आ चुके हुए हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैं चार पार्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस के ऊपर मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमने स्मॉल बिजनेस का कंसेप्ट, मीनिंग, उसका डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्मॉल बिजनेस, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो सारी वीडियोज़ आपने मिस किया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ड्रॉप कर दूँगी, आप वहाँ से भी उनको एक्सेस कर सकते हो। ज्ञान अड्डा पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी करा नहीं है तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब इसके अंदर में क्या है, देखो हर एक बिज़नेस के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है जब भी उनका बिज़नेस शुरू होता है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम उसको समझेंगे कि स्मॉल बिज़नेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है, या वहाँ पर ये टर्म कैसे यूज़ होता है। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो आपकी बेसिक फैसिलिटी होती है, जैसे आपकी कुछ बेसिक सर्विसेज आप यूज़ करते हो, या बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, आसपास, लाइक रोड आपको चाहिए होता है, आपको स्कूल चाहिए होता है, आपको फ़ोन लाइंस चाहिए होती हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए होते हैं, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके डेली यूजेज की चीज़ें हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, जो आपसे टैक्स लेती है उनसे वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट करती है, ताकि वो आपको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब एक बेसिक सा डेफिनेशन हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को ईजी बना रही हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हुआ, चाहे वो रोड्स हुआ, चाहे सीवेज फैसिलिटी, पावर, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है। ये गवर्नमेंट का काम होता है कि आपको अच्छी से अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। लेकिन जब हम बिज़नेस के टर्म्स में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा और वाइडर पिक्चर पे आ जाता है। तो अभी तो हमने ये समझा कि बेसिक फैसिलिटी में क्या आया, बेसिक फैसिलिटी में आपके जैसे सर्विसेज आ गए, इंस्टॉलेशन नीडेड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर में। जब हम बिज़नेस के हिसाब से बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि आप अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पे आपको भेजना रहता है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बहुत रिमोट एरिया में अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या कोई अपना मैसेज नहीं छोड़ पा रहे हो, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही आप जहाँ पे भी आपका बिज़नेस सेटअप है वहाँ पे कुछ चीज़ों की आपके बिज़नेस को भी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक वहाँ पे पावर सप्लाई होना चाहिए, पावर लाइन होनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर वाटर का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप मतलब हवा में तो काम करोगे नहीं, आपकी जो जहाँ पे भी कंपनी होगा, जहाँ पे बिज़नेस होगा, वहाँ पे इंसान ही तो होंगे, तो इंसानों की रिक्वायरमेंट भी तो होती है, जैसे कि इंसानों की रिक्वायरमेंट हो कि वाटर वगैरह की प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। साथ ही आप जो भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करोगे उसमें वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, और कोई भी आदमी काम करेगा तो ऑब्वियसली प्लांट और मशीनरी लगाएगा, तो प्लांट और मशीनरी में पावर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो पावर लाइन होनी चाहिए। पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी देखिए, आप देखो पब्लिक इंस्टीट्यूशन तो क्या होगा, ये तो एक कम्युनिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल, पोस्ट ऑफिस, प्रिजन्स वगैरह, ये सब तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है। लेकिन आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, वाटर सप्लाई, पावर लाइन, सीवेज, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट होती है। अभी हमने ये समझ लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक सेंटर ही पूरा बनाया गया हुआ है, उस सेंटर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, इसको बोलते हैं आईडी। ये क्या करता है, ये आपको जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटी है, लाइक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब आपके घरों में जो बिजली वगैरह आती है, नेटवर्क वगैरह आता है, या पानी की प्रॉब्लम, मतलब पानी आपके घर में जो भी आता है, टेली कम्युनिकेशन से संबंधित जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, ड्रेनेज से संबंधित चीज़ें हैं, पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी हो गया, रोड जिन पे आप चलते हो, बैंक जहाँ पे आप जाते हो पैसे डिपॉजिट करते हो, रॉ मटेरियल जहाँ से आप बाय करते हो, परचेज करते हो, स्टोरेज जहाँ पे आप अपना सामान को रखते हो, लाइक आपकी वेयर हाउस या गोडाउन वगैरह हो गए, आपके जितने भी मार्केटिंग आउटलेट हैं जहाँ पे आप जाकर के सामान को परचेज करते हो, आपके ग्रॉसरी हो गए, शॉप्स हो गए, आसपास आपके छोटे मोटे जो परचून की दुकानें हो गई, वो सारी चीज़ें, या जितनी भी कॉमन सर्विसेज आप यूज करते हो, चाहे वो आपके टेक्नोलॉजिकल बैकअप सर्विसेज ही क्यों ना हो, आपके एमएसएमई, मतलब कि मार्जिनल स्मॉल इंटरप्राइजेस,
इन द न्यू एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इस्टेट और एरियाज़। तो इन सारे चीज़ों के लिए MSMEs को प्रमोट करने के लिए इन सेंटर्स को डेवलप किया जाता है कि हर एक सिटी में, हर एक शहर में एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आपकी A1 ग्रेड की होनी चाहिए, ताकि आपकी जो MSMEs हैं, मतलब कि मार्जिनल स्केल इंटरप्राइजेज़ हैं या स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज हैं, वहाँ पर सेटअप कर सके, इंडस्ट्रीज़ का वहाँ पर सेटअप हो सके। ऑब्वियसली जहाँ पर आपके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, संसाधन मतलब कि बेसिक संसाधन जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आप अपने बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे खड़ा करोगे, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का भी रोल होता है, प्लस गवर्नमेंट की बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं। अब इसको समझते हैं जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से है। अभी तक आपने ये समझा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होती है, और इसके लिए सेंटर भी गवर्नमेंट डेवलप कर चुकी हुई है, और इस पर बराबर अमेंडमेंट भी होते हैं, इस पर बराबर काम भी होता है, मॉडिफिकेशन भी होता है। जब हम बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये कि आपके खुद के जब आप बिज़नेस शुरू करते हो, तो उसमें आपको कुछ फिज़िकल थिंग्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और नॉन फिज़िकल थिंग्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिनका आप यूज़ करते हो अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को बनाने में, राइट। आप लाइक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो, आप बहुत सारे हार्डवेयर्स का यूज़ करते हो, आप बहुत सारे कम्युनिकेटिंग टूल्स का यूज़ करते हो, टेलीकम्युनिकेशंस का यूज़ करते हो, तो वो सारी जो चीज़ें ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करती है। लाइक अगर आप देखो कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके प्लान्स होती हैं, उनकी मशीनरीज होती हैं, तो ये क्या हो गया, वो एक तरीके से बिज़नेस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आपको कुछ ना कुछ सेटअप करना पड़ता है, तो आपका वो सेटअप ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लाइक अगर आप अपने ऑफिस को थोड़ा सा, ऑफिस में भी जो भी आप सेटअप करते हो, लाइक टेबल चेयर अभी आप रखते हो, आप प्रिंटिंग मशीनरी रखते हो, आप फैक्स की मशीनरी रखते हो, या ये सारी भी चीज़ें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही है एक तरीके से। तो आपके कुछ एग्जाम, आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। सबसे पहले तो नेटवर्क सर्विसेज, मतलब बेसिक कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके बिज़नेस में, ताकि आपकी नेटवर्क सर्विसेज जो है वो प्लस में जाए, पॉजिटिव रहे, हाई में रहे, ताकि आपको कभी भी कोई भी कंपनी में कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, तो आपकी नेटवर्क सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा कंप्यूटिंग, इट मींस कि आपको IT बेसिस में भी बहुत ही फास्ट रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आप जो भी डेटाबेस सिस्टम यूज़ करते हो, जो भी आप सिक्योरिटी टूल्स यूज़ कर रहे हो, या जितने भी आप कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, या कोई भी आप कम्युनिकेशन टूल्स यूज़ कर रहे हो अपने मैनेजमेंट में प्लेटफॉर्म को कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए या अपने बिजनेस में काम करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके अप टू डेट होनी चाहिए, और उनको आपको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा, उनको आपको उस पर आपको खर्च करना ही पड़ेगा, उसको आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। जैसे IT सर्विसेज हो गया, अब IT सर्विसेज का क्या काम होता है, सारी चीज़ें आप जानते हो आज के डेट में ऑनलाइन होती है या कंप्यूटर के थ्रू होती है। तो आपको एक कोर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जैसे कि सर्विस डेस्क हो गया या सर्विस सपोर्ट हो गया, आपको वो बिल्डअप करना पड़ेगा, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने कंज्यूमर या कस्टमर को। आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड डेटा बैकअप भी देना पड़ेगा। अब इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब ये कि भाई जो भी कस्टमर या जो भी कंज्यूमर आपके पास में अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप उस आपकी आपका ये लायबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करो, उसको आप लूप नहीं करो, उसकी प्राइवेसी को आप डिस्ट्रॉय नहीं करो, उसकी प्राइवेसी को आपको मेंटेन करना पड़ता है, करना ही होगा। ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है कि आप किसी की भी प्राइवेसी के साथ में कोई भी छेड़खानी करो। अगर आप ऐसा करते हो तो गवर्नमेंट के पास में हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें आपको पेनलाइज होना पड़ सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, एक तरीके का ये बहुत बड़ा साइबर क्राइम होता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो लोगों के इन्फॉर्मेशन है उनको काफ़ी सिक्योर करना पड़ता है। डेटा बैकअप वगैरह भी, आपको जो भी आप कंज्यूमर हैं वो डेटा को बैकअप कर सके, प्लस आप भी डेटा का बैकअप ले सको, तो उस बैकअप के लिए आपको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा अपना MIS का पूरा बनाना पड़ता है, और आपको ये सारी चीज़ों पर IT सर्विसेज के अंदर में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से बिल्डअप करना पड़ता है कि आप इन चीज़ों पे अच्छे से फोकस्ड वे में काम कर सको। फिर आपका बिजनेस सर्विसेज, जैसे कि पेरोल हो गया या फाइनेंशियल कंट्रोल वगैरह हो गया, तो ये बिज़नेस के सर्विसेज होते हैं जो आप जैसे अपने एम्प्लॉइज़ को आप पेरोल वगैरह देते हो, उनको सैलरी वगैरह देते हो, आप कैसे उनके फाइनेंस को कंट्रोल करते हो, आप उनके अकाउंट्स वगैरह बनवा रहे हो, आप उनको कैश पैसा दे रहे हो, या उनको आप चेक के थ्रू दे रहे हो, या आप किस प्रकार से आप उन फाइनेंशियल को कंट्रोल करते हो, तो ये आपका बिजनेस सर्विसेज, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक तरीके से पार्ट है। फिर नेक्स्ट है आपका कि एनर्जी एंड पावर मैनेजमेंट। आपके जो भी आपकी कंपनी है जहाँ पे
भी आपका फिजिकल कंपनी का सेटअप है, वहाँ पे सोलर पैनल वगैरह अगर आप सेटअप कर रहे हो या अगर आप जनरेटर्स वगैरह डाल रहे हो बैकअप वगैरह के लिए, ताकि आपकी पावर सप्लाई अन इंटरप्टेड होती रहे, कोई भी आज जैसे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी सर्विसेज बना रहे हो, तो वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग वो आपकी हैम्पर ना हो। तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, आपको एक बैकअप लेके चलना पड़ेगा, ताकि पावर सप्लाई और एनर्जी वगैरह कि कहीं भी आपको कमी ना हो। फिर आगे फैसिलिटी क्या है कि अब देखो डेटा सेंटर की यहाँ पे बात कर दिया कि फैसिलिटीज़ दैट मोस्टली हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज डेटा सेंटर। अब डेटा सेंटर क्या है, एक एग्जांपल दे दिया है डेटा सेंटर का, मतलब डेटा सेंटर मतलब एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारे डेटा स्टोर किए जाते हों। अब वो सारे डेटा किन के होते हैं, आपके कंज्यूमर के होते हैं, आपके कस्टमर्स के होते हैं, कई बार आपके खुद की कंपनी के होते हैं, लाइक आपके एम्प्लॉइज़ के हो गए, आपके प्रीवियस जो भी आपका टर्नओवर है, या आपने जब भी आपकी कंपनी शुरू हुई तब से लेकर के अभी तक आपके कंपनी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे, तो वो सारे डेटा सेंटर में ही सेव होते हैं। जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, IBM वगैरह जितनी भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, तो वो सारी कंपनीज़ के डेटा सेंटर्स कई हेक्टेयर में, कई एकड़ में बने होते हैं। तो वो उनका अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्डअप करके रखा है। तो उसी तरीके से चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको बहुत बड़ा एग्जांपल, बट जब भी आप छोटा भी बिजनेस करते हो तो आप कहीं तो अपने डेटा को स्टोर करते हो, भले ही आप एक छोटी सी अलमारी में ही क्यों ना स्टोर करो, वो भी आपके लिए एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ही हुआ। तो वही चीज़ है यहाँ पे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक आप कौन सा वे यूज़ कर रहे हो, कौन सा कन्वीनियंस आप यूज़ कर रहे हो, कौन से कन्वीनियंस यूज़ करके आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुँचा रहे हो, आपका रोड कैसा है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका सामान बहुत अच्छा होता है लेकिन सामान टूट जाता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी ना होने की वजह से। आप ऐसे समझो ना कि आपने अमेज़ॉन से, नायका से, या आपने कोई भी फ्लिपकार्ट वगैरह से सामान ऑर्डर किया, मंगाया, मंगाने में आपका कई बार डैमेज हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में या हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उस वजह से हो जाता है प्रॉब्लम। तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए कि आप जहाँ पे सामान बना रहे हो वहाँ से आप अपने लोकल मार्केट तक ईजिली उस सामान को पहुँचा सको, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर है लास्ट है कि बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी, बिज़नेस में कॉन्टीन्यूएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिज़ास्टर रिकवरी साइट्स एंड सिस्टम, देखो अब ये क्या है, बिज़नेस कॉन्टीन्यूटी का मतलब हुआ कि आपका कोई भी जो भी बिज़नेस चल रहा है उसमें कॉन्टीन्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टीन्यूएशन का बोलेगा मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका बिज़नेस आज काम कर रहा है तो कल काम नहीं करेगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर एवरी टाइम, एवरी डे, या एक कॉन्टीन्यूएशन मोड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या उसको आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने, क्योंकि बिज़नेस तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो आपकी कॉन्टीन्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए इन सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होती है, और कोई भी जब भी छोटा बिजनेस शुरू करता है तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे उनको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी यूनिट का। जैसे ही यूनिट 4 कंप्लीट होगा हम यूनिट 1, 2 और 3 को भी फटाफट से कवर कर लेंगे, ताकि हम मैनेजमेंट के और भी सब्जेक्ट्स पे जल्दी से जल्दी जंप कर सके। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपका कोई और टॉपिक है जो कि मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर है, लाइक अगर आपका BA का कोई टॉपिक है, या अगर आपका एजुकेशन का कोई टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है XYZ, तो अपने टॉपिक को आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं कस्टमाइज वीडियो भी बनाती हूँ टॉपिक पे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना और हिट करना बेल आइकन को, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की आपको मिलती रहे। थैंक यू।